क्या किसी को देखकर आपको ऐसा लगने लगा है कि वो आपका सोलमेट पार्टनर है, आप दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, या फिर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं रितु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरोट 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। फ्रॉड से प्लीज़ सावधान रहें, हम किसी को कोई भी ना तो लिंक शेयर करते हैं और ना ही हम किसी के साथ कोई किसी भी तरीके का हमारी तरफ से कोई मैसेज आता है आप में से किसी के भी पास। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फेक आईडी से आपको मैसेजेस कर रहे हैं, सो प्लीज़ रिस्पॉन्स मत कीजिएगा। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे ही व्हाट्सएप करें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जिस किसी का भी नाम आप अपने पार्टनर का नाम आप सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम दिल में 3 बार रिपीट कीजिए। ओके, दिमाग में अपने उसका इमेज रखिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है और एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। सो क्या करना है एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने के लिए, बहुत ही आसान है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, लाइक कीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो शेयर कीजिएगा, हो सकता है इसकी ज़रूरत और किसी को हो और किसी की हेल्प हो जाए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। ओ माई गॉड, फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो देखो, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके स्वभाव से, आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी टॉलरेंस पावर से, आपके पेशेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, आपसे बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। जिस तरीके से आप खुद को मेंटेन करते हो, आप जिस तरीके से बातें करते हो, जिस तरीके से आप अपने को प्रेजेंट करते हो, वो चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ इस कार्ड में कि वो आपको क्वीन समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई अगर उनका साथ दे सकता है, कोई उनके साथ आगे चल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सो आप डेफिनेटली उनको एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, लेकिन ये एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव और इंटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे सुंदर, आपसे अच्छा इंसान, आपसे लॉयल इंसान और कोई नहीं हो सकता है, राइट? सो हो सकता है इनके पास और भी कोई ऑप्शन हो, और या फिर इनके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके आसपास आते हो, आप जैसे ही इनसे बात करते हो या फिर किसी भी वजह से आप दोनों का इंट्रैक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। करेंटली ऑल्सो वो आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा थॉट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, राइट? तो उनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से अलग हो, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोचते हो और आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं इनके और इनके साथ मैच करती है, राइट? सो इनको कई बार ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम हो और आप दोनों की सोच भी सेम है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात बहुत आसानी से पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, बिकॉज़ आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल के आई है, राइट? सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा थॉट्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट? उनको ऐसा लगता है कि अगर पास्ट में चीज़ें ठीक नहीं चली या फिर पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, लेकिन
आगे आने वाला टाइम वो किसी के साथ साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, राइट? तो वो चाहते हैं उनके साथ भी कोई ऐसा इंसान हो या फिर कोई लाइफ पार्टनर हो जो उनका भी ख्याल रखे और वो उनका ख्याल रखे। सो यहाँ पर डेफिनेटली कार्ड ये दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आया है 10 of Pentacles का कार्ड, राइट? सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। सो यहाँ पर 10 नंबर इटसेल्फ ये बता रहा है कि आप दोनों की पेनफुल जर्नी अभी बहुत जल्द यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, राइट? सो जैसे ही आपकी ये पेनफुल जर्नी यहाँ पर ख़त्म होगी, वैसे ही आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आप तक पहुँचना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। सो आपके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा एहसास होने लगा है, चाहे वो किसी को भी ऑप्शन में ले लें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आपके पास ही आना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो ये कार्ड डेफिनेटली ये बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन का कनेक्शन आप दोनों के ऊपर आप ज़रूर बना हुआ है। नेक्स्ट कार्ड आया है 7 of Cups का कार्ड। देखो, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको इंतज़ार है किसी न किसी ऐसी चीज़ का जो आप दोनों को साथ करेगी या फिर जो एक पॉजिटिविटी देगी आपके पार्टनर को आपकी तरफ बढ़ने के लिए, राइट? सो कहीं ना कहीं ये अभी डिप्रेशन मोड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो आपको वो दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन किसी भी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी पार्टनर की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोल रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। देखो, आपके जो पार्टनर है ना, उनको कई बार ऐसा लगता है कि आप भी उनसे कई चीज़ें छुपा रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि आपको भी एक्सप्रेस करने देना चाहिए जैसा आपके दिल में चल रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीज़ें छुपाने लगे हो, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। द सन का कार्ड आया है निकल करके, जो कि यही बता रहा है कि आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम थी वो बहुत जल्द छटती हुई दिखाई दे रही है, राइट? आप लोगों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर को चाहिए कि वो अपने दिल की पूरी बात आप तक ज़रूर बता दें। टेम्परेंस का कार्ड निकल करके आया है। सो देखो, आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, आपको मिलने के लिए बेताब हो रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि आप तक पहुँच पाना अभी इतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, राइट? देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज आ जाते हैं, ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, और ये बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है वो आपके पार्टनर को परेशान कर देता है, जहाँ उनको ऐसा लगने लगता है, या फिर मैं ये बोलूँ कि उनको इनसिक्योरिटी लगने लगती है कि भाई यहाँ पर चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं है जितनी चल रही थी, राइट? सो ईगो कहीं ना कहीं क्लैश ज़रूर हो रहा है, ईगो की वजह से प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए इंतज़ार करते हुए भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनके दिल को सुकून नहीं आता जब तक कि आपको देख नहीं लेते हैं, इनके दिल को सुकून नहीं आता जब तक कि आपसे बात नहीं कर लेते हैं। सो कुछ चीज़ों को लेकर के सब परेशान ज़रूर हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के डाउटफुल भी दिखाई दे रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है आप दोनों का रिश्ता, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन में प्यार और ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर आपको रिस्पांस देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी कुछ कमज़ोरी इनके रास्ते में रोके डाल रही है, राइट? सो कहीं ना कहीं चीज़ें मुश्किल होती चली जा रही है, या फिर उन सिचुएशंस को लेकर के अभी थोड़ा सा पॉज में आ चुके हैं, वो अभी आपसे दूरियां बनाए हुए हैं ताकि आप और ज़्यादा परेशान ना हो जाओ, ताकि आप और ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ही कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ख्याल चलता रहता है, राइट? और काफ़ी चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, राइट? खुद को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कई बार ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ समय उनको आगे नहीं बढ़ने देगा, या फिर आप इतनी ज़्यादा खुशी इनको दे देते हो कि वो उस
खुशी में ही डूब कर रह जाना चाहते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि थर्ड पार्टी की ना तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको आपके लिए, देखो आपके पार्टनर तो डेफिनेटली आपके लिए वेट कर ही रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप भी आपके पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार, इतना डीप इंटेंस लव आप करते हो कि आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और आप दोनों को ही पता है कि ये वक्त जो अभी चल रहा है वो एक ना एक दिन ज़रूर से ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो पार्टनर के मैसेजेस दे दीजिए। If you don't love me anymore, I won't be able to make it through this world, right? So, हो सकता है उनको ये डर है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, आप इनको डर है आप किसी और रिश्ते में चले जाओगे और इनका साथ छोड़ दोगे, right? So, ये उस चीज़ के लिए आपको आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके बिना जी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो वॉट टू डू एनी मोर, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो अब क्या करें। आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे दैट आई लव यू, राइट। सो भले अभी जो भी सिचुएशन चल रही हो, लेकिन जितना वो आपसे प्यार करते हैं, जितना वो आपको चाहते हैं, उतना वो किसी और को नहीं कर पाए हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई मिस यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग्स दिखाई दे रही है। हाउ कुड यू इवन लव मी। सो आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने इतना सब कुछ किया है, राइट, आपको बहुत खुशियाँ देने की कोशिश की है, या फिर आप दोनों का साथ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, राइट। सो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि इतना सब उन्होंने आपके साथ किया, फिर भी आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो। लव टेक्स टाइम, राइट। सो कहीं ना कहीं उनको पता है कि लव के लिए समय लगता है। आई एम टू अशेम टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू, आई नीड यू, राइट। सो बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत उनकी लाइफ में दिखाई दे रही है, आपसे यही कहना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी चल रहा हो, बट उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बिना रह पाना, जी पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस, आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ओके, सो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, फटाफट से ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए, और कहीं ना कहीं आप ज़रूर आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।